देखो नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। दुआ ज़हरा केस जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है, यहाँ तक के लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी उसके चर्चे हैं। अब उस केस में एक नई पेशरफ्त हुई है कि जो उसका शोहर था ज़हीर, उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। अंदर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि दुआ ज़हरा केस में एक अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसमें ये साफ ज़ाहिर है कि ज़हीर तो इतना अमीर तरीन है ही नहीं था। जब वो ज़हरा वहाँ कराची से लाहौर पहुँची तो ज़हीर के घर आई तो ज़हीर ने टैक्सी ड्राइवर को 22,000 रुपये दिए। वो उसके पास पैसे कहाँ से आए, उसके बाद वकीलों के पैसे कहाँ से आए, यहाँ तक के पुलिस को देने के पैसे कहाँ से आए, ये एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि इतने पैसे उस जो लड़के हैं उसके पास कैसे आए। और दूसरी जानब उसके जो वालिद का एक बयान सामने आया जो रोते हुए उन्होंने दिया कि लड़की को पाला इसलिए था कि कल को उसकी जुदाई हमें बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो सिंध जो हाई कोर्ट, उन्होंने तो फैसला दे दिया था कि लड़की अपनी मर्ज़ी से जो है वो रह सकती है, पूर्व उसका फ़ैसला है। लेकिन सवालिया निशान फिर वही है कि ज़ाहिर के पास इतने वसाइल कहाँ से आए जो नहीं थे। कहने का मकसद ये है कि जो एज भी उसकी बताई गई वो भी काफ़ी कम थी, और उनके जो वकील ने बताया कि इसकी 18 साल से कम है, तो एक तरफ 14 साल कहा जा रहा है। ये भी एक देखने वाली बात है कि अभी तक इसमें कोई ऐसी नई चीज़ सामने नहीं, जबकि जो भी है तारीख पैदाइश वो भी उसके वालिद और वालदा ने दे दी हुई है। आज भी उसकी वालदा आंसू लेके मुख्तलिफ इदारों में जा रही है कि मेरी बेटी को वापस लाया जाए, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट का फ़ैसला था कि भई वो अपनी मर्ज़ी करे, उसके हाथ में फ़ैसला है। दो तीन चीज़ें मैं आपसे नहीं शेयर करने जा रहा हूँ कि आखिर ज़हीर करता क्या था, ज़हीर का ताल्लुक कैसे बना, ज़हीर ने किस तरह उसको वरगलाया, ये सारी बातें आपको बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने नहीं आई, ना ही किसी मीडिया ने दिखाई है। दो बातें आपको फिर बताने जा रहा हूँ कि यकदम से पैसे आ जाना, यकदम से उस पर खर्च करना, और फिर अचानक से उसको दूसरे इजला में ले के जाना। ज़ाहिर है गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी कहाँ से आई उसके पास, फिर वहाँ से जब पुलिस ने उसको बाजियाब करवाया, फिर लाहौर लेके आए, यहाँ पे भी उसकी पेशी हुई, ये सारी बातें अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो रही। अब जो फैसला है उसके बाद देखा जाए कि असल जो दो मियां बीवी हैं इनका आपस का क्या फ़ैसला है। जाहिर सी बात है वो एक दूसरे का साथ रहना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप इस कश्मकश में हैं कि हमारे देखते ही देखते हमारी बच्ची वो हाथों से निकल गई, जो सारी ज़िंदगी का उनको गम ले गया है। वालद उसका आज भी परेशान, आंसू बहा रहा है, इंतज़ार कर रहा है, कभी उस इदारे में जा रहा है, कभी उस इदारे में जा रहा है, कभी हाई कोर्ट रिट पिटीशन दायर कर, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो बहुत ही परेशान हाल है उसका वालद। लेकिन बच्ची आज भी अपने शोहर के साथ मौजूद है, वो नहीं जाना चाहती। अब पुलिस का ये कहना है कि इस हवाले से जो मुकदमा दर्ज किया गया था, जाहिर सी बात है जब निकाहनामा पेश किया जाता है तो वो FIR खारिज हो जाती है और उसका कोई जवाब नहीं रहता कि अब FIR जो है वो हुई दर्ज, उसके बाद जब उसका निकाहनामा पेश किया गया तो वो खारिज हो गई। अब बात है कि समाअत तो हो रही हैं, तारीखें भी पड़ रही हैं, लेकिन जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं होगी घर वापस जाने की, तब तक कोई भी पाकिस्तान का इदारा उसको ज़बरदस्ती वालदैन के हवाले नहीं कर सकता। मर्ज़ी होगी तो वो जाएगी, मर्ज़ी नहीं होगी तो वो नहीं जाएगी। अब आते हैं ज़हीर की तरफ। ज़हीर भी छोटा सा बच्चा है और किस तरह उसने इस सारी कहानी में अपना किरदार अदा किया, ये तफ्तीशी अफसरान भी तफ्तीश कर रहे हैं, बयान भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन तफ्तीशी ज़राए से हमें ये मालूम हुआ है कि पैसों का जो है था कि पैसे उसके पास कहाँ आए, और उसके वालिद को भी इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ज़हीर के पास अचानक इतने पैसे वकीलों को बढ़ने, लेकिन तफ्तीश अफसर ये कहता है कि उनके वालिद ही ये पैसे सारे लगा रहे हैं।
और किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे। दुआ ज़हरा केस जिसने पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक तहलका मचा रखा है और हर कोई इसकी कहानी सुनना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक माँ बाप को अपनी बेटी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मिले, बाप आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, माँ भी इस तरह। तो ये एक नया मोड़ था और नई कहानी थी कि ज़ाहिर का उसके साथ टकरा होना और उसके बाद शादी कर लेना, ये भी एक बहुत लंबी कहानी है। लेकिन आज हम आपको जिस कहानी से आगाह किया है कि पैसे कहाँ से आए, वकीलों के पैसे देने कहाँ से आए, पुलिस को कैसे दिए गए, ये सारी बातें एक लम्हा फिक्रिया है। और इस पर अमल करने के लिए जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी देख रहे हैं कि हम इसको कैसे पाया तकमील तक पहुँचाएँ या इस केस को कैसे हम हल करें। हल तो हो चुका हुआ है लेकिन जो अंदर की बातें हैं वो अभी भी सामने आ रही हैं। हम अपने नाज़रीन को इससे नई खबर भी अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि दुआ ज़हरा की बैकग्राउंड क्या है, उस वाले से हम अगली स्टोरी में आपको बताएंगे। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।